इसने पूरे आगरा को गौरवान्वित किया है। अर्जुन अवार्ड लेकर ऐसी आगरा की लाडली बिटिया पूनम यादव का हम इस एनसीआरएस ऑफिस में स्वागत करते हैं। स्वागत करते हैं हम उस गुरु द्रोणाचार्य को जिन्होंने परासा और हीरा तो पहले थी और हीरे से कोहिनूर बनाया। स्वागत करते हैं। ज्यादा समय जैसा कि बताया है के शर्मा जी भाई ने के कोई समय नहीं है, अभी नहीं लेंगे। केवल पहले मैं मनोज कुशवाहा जी जो इनके गुरु हैं इनके लिए दो लाइनें कहूंगा कि इनकी सादगी से न लगा, इनके कद का अंदाज ये आसमां है पर झुक के चलता है। साथ में पूनम यादव ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है और जो अर्जुन अवार्ड लेकर एक ऐसा अद्भुत चमत्कार किया है, इसके लिए दो लाइनें कि कौन कहता है कि आसमां में छेद हो नहीं सकता, एक पत्थर तो दिल से उछालो यार। मेहनत से जिस तरह से पत्थर उठाकर इन्हने आसमां में छेद किया है, ऐसे पूनम यादव अपनी आगरा की बिटिया लाडली बिटिया को मैं प्रणाम करता हूँ। इसी तरह से नाम रोशन करें और आगरे का नाम भी रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब मनीषी श्री मिश्रा सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बच्ची को आशीर्वाद दें। मनोज भाई को आशीर्वाद। धन्यवाद शर्मा जी। आगरा की शान, रेलवे की शान, बेटी पूनम यादव और उनके गुरु सौभाग्य भी है कि पूनम यादव मेरी पड़ोसी भी काफी नजदीकी से देखा है, इसकी सादगी, मेहनत और लगन, और इनमें ये जो उपलब्धि इन्होंने हासिल की है इसके पीछे इनकी सादगी और एक मतलब मेरे छोटे से छोटे कार्यक्रम में मेरे घर पे आती है लोग, अरे पूनम है ये इस तरह से लोग आकर के मिलते हैं और बेटी को मैं प्रणाम करता हूँ और भविष्य में इस देश का नाम रोशन करें ऐसा आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद। हमारे तेजस्वी श्री रदीश भाई जो सेक्रेटरी है हमारे एनसीआरएस के, उनसे गुजार करो बच्चे को ब्लेस करें, मनोज भाई को ब्लेस करें और बच्चे पैदा करें और बच्चे ऐसे बना के और इस मन से मैं कहना चाहता हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ के शर्मा जी को जिन्होंने इतनी बड़ी शख्सियत को इस एनसीआरएस मंडल कार्यालय में लाकर एनसीआरएस का सम्मान करूँगा कि आने वाले समय में ये आगरा की बेटी हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन करे और ऐसा ही अवार्ड और मिले इनको। इस दुआ के साथ ही